हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं KBXI वर्सेस MBXI टीम के बारे में। मैच स्टार्ट होने में अभी भी 11:12 है। इंडिया का टाइम का आंसर देखा जाए तो आज रात को 7:30 बजे को मैच स्टार्ट होगा। पिच के बारे में बात करें तो ये पिच बॉलिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे, और एवरेज स्कोर के बारे में बात करें जाए तो 120 से 130 का बीच में स्कोर बनेगा, और ये पिच फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाय मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो आप टेलीग्राम में जाके @jhofantasy सर्च करते ही मेरे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। इसी तरह सर्च करते ही मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट बनाया दोस्तों, इस दोनों अकाउंट में भूल से भी ज्वाइन मत करना। आपको ये फेक टीम देगा, ये फेक अकाउंट भी है जिसमें आपको 1184 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको वायलेट कलर का जे है दोस्तों, उसी पर आप ज्वाइन कर लेना। इसी तरह मैं आपको फाइनल टीम दूंगा लाइनअप अनाउंस होने के बाद। जो मैं आपको टीम दूंगा हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स पर ट्राई करेंगे तो 100% विन होंगे। अब तक आपका जितना लॉसेस हुआ वो मेरे टेलीग्राम चैनल कवर करवा देगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। फाइनल टीम के नीचे मैं 3 लिंक प्रोवाइड करता हूँ। एक है माई मास्टर 11, दूसरा है कुबेरा, तीसरा है विजन 11 दोस्तों। तीनों आप कमाल के, तीनों में लो कॉम्पिटिशन होता है, तीनों में आप 100% मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं। तीनों आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। पहला माई मास्टर 11 के बारे में बात करें तो माई मास्टर 11 एक न्यू ऐप है दोस्तों, इसमें लो कॉम्पिटिशन होता है, आप 100% मनी इजीली से अर्न करेंगे। कमाल का ऐप है दोस्तों माई मास्टर 11। माई मास्टर 11 का लिंक यही दोस्तों, क्लिक करते ही शो हो जाएगा, आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। और दूसरा वाला कुबेरा दोस्तों, कुबेरा के बारे में बात करें तो कुबेरा में अगर आप DUO का टीम में खेलेंगे दोस्तों तो आप 100% मनी इजीली से अर्न करेंगे, क्योंकि आपको इसमें 5 प्लेयर होंगे। 5 प्लेयर को आपको एक ही प्लेयर को सिलेक्ट करना है। मैं आपको इसी तरह एक प्लेयर को सिलेक्ट करके दे दूंगा, इसमें आप 100% मनी इजीली से अर्न करेंगे। कमाल का ऐप है दोस्तों कुबेरा। कुबेरा में अगर DUO का टीम में खेलेंगे दोस्तों तो आप 100% मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं। और तीसरा वाला दोस्तों विजन 11। विजन 11 के बारे में बात करें जाए तो विजन 11 में आप सारा लॉसेस कवर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही दिन में आपको फ्री एंट्री 3 या 4 5 मिलते हैं दोस्तों, अधिक फ्री एंट्री मिलते हैं दोस्तों। आपको जितना लॉसेस हुआ वो सब कवर कर सकते हैं। कमाल का ऐप है दोस्तों। मैंने तीनों ऐप में मनी इजीली से अर्न करना, आपको भी तीनों ऐप में मनी इजीली से अर्न करना है तो मैं तीनों लिंक प्रोवाइड कर दिया दोस्तों। माई मास्टर 11 का नीचे में माई मास्टर 11 लिंक होगा, और कुबेरा का नीचे में कुबेरा का, और विजन 11 का। इसी तरह आपको जैसे विजन 11 है, विजन 11 के नीचे में विजन 11 का दे दें दोस्तों, आप 100% तीनों ऐप में मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं। कमाल का ऐप है दोस्तों। चलिए दोस्तों लेट नहीं करते हैं, वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पहले विकेट कीपर के बारे में बात करें जाए तो मैंने एक विकेट कीपर को पिक करूँगा, डेलसन को दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है, सो आप इनको 100% पिक कर लीजिए। इनका लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें तो लास्ट में जो 5 गेंदों में 0 रन दोस्तों, लास्ट में जो डकआउट हो गया, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है। मैंने विकेट कीपर में एक विकेट कीपर को पिक कर लिया, उनका स्टैट्स भी बता दिया हूं। अब बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने वी सूरज धुन को पिक करूँगा, और गोपाला कृष्णा को, और पी सैम को। पूरा मैंने 3 बैट्समैन को पिक किया, सो तीनों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन, आप तीनों को 100% पिक कर लीजिए। तीनों बैट्समैन का लास्ट मैच का स्टैट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वी सूरज धुन के बारे में बात करें तो लास्ट मैच उनको बैटिंग में तो चांस नहीं मिला था, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। और गोपाल कृष्णा के बारे में बात करें तो गोपाल कृष्णा ने लास्ट मैच में गोपाल कृष्णा को बैटिंग में भी चांस नहीं मिला था। और पी सैम के बारे में बात करें तो सैम ने लास्ट मैच 15 गेंदों में 7 रन मारा दोस्तों। मैंने बैट्समैन में 3 बैट्समैन को पिक किया, तीनों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन, अब तीनों को 100% पिक करना है। मैंने तीनों बैट्समैन का स्टैट्स भी बता दिया। अब ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने एस छोटान को पिक करूँगा, और एस नंदन को, और माता वैन को दोस्तों। पूरा मैंने 3 ऑलराउंडर्स को पिक किया, सो तीनों ऑलराउंडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स, अब तीनों को 100% पिक कर लीजिए। तीनों ऑलराउंडर्स का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें जाए तो सॉरी दोस्तों, और तानवीर को पिक करूँगा, 4 ऑलराउंडर्स को पिक किया, 4 ऑलराउंडर्स का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें। एस छोटान के बारे में बात करी जाए तो लास्ट मैच में 43 बॉल्स पर 45 रन्स मारे, सो बैटिंग भी कमाल करके। बॉलिंग के बारे में बात करें तो लास्ट में 4 ओवर डाला था, सो 4 ओवर डाल के 5 विकेट लिए, कमाल का बैटिंग किया, कमाल का बॉलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है। और माथा विन के बारे में बात करें तो माथा विन ने लास्ट मैच में 29 बॉल्स पर 39 रन्स मारे, सो कमाल का बैटिंग किए हैं। और इस नंदन के बारे में बात करें तो नंदन ने लास्ट मैच 10 गेंदों में 19 रन मारे दोस्तों, 4 ओवर डाल के 0 विकेट। नंदन को लास्ट मैच विकेट तो नहीं मिला, सो लेकिन
बैटिंग कमाल का किया है। और तनवीर के बारे में बात करें तो तनवीर ने लास्ट मैच में 11 गेंदों में 15 रन मारे हैं दोस्तों। लास्ट मैच तनवीर को बॉलिंग में तो चांस नहीं मिला दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है। मैंने ऑलराउंडर में 4 ऑलराउंडर्स को पिक किया दोस्तों, चारों ऑलराउंडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स, अब चारों को 100% पिक कर लेना। मैंने चारों ऑलराउंडर्स का स्टैट्स भी बता दिया हूँ। अब बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने एम निर्मला सिंह को पिक करूँगा और कार्तिकायन को और विनायक को दोस्तों। पूरा मैंने 3 बॉलर्स को पिक किया, तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स, अब तीनों को 100% पिक करना। नाम सेली के बारे में बात करें तो नाम सेली ने लास्ट मैच में 4 ओवर डाल के 0 विकेट, सो लास्ट मैच में नाम सेली को विकेट तो नहीं मिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर है। और कार्तिकायन के बारे में बात करें तो कार्तिकायन ने लास्ट मैच में 4 ओवर डाला दोस्तों, 4 ओवर डाल के 2 विकेट लिए हैं। और विनय के बारे में बात करते, विनय ने लास्ट में एक ही ओवर डाला था, 1 ओवर डाल के 0 विकेट। मैंने बॉलर्स में 3 बॉलर्स को पिक किया, तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स, अब तीनों को 100% पिक कर लेना। मैंने तीनों बॉलर्स का स्टैट्स भी बता दिया हूँ। अगर विकेट कीपर में देखा जाए तो मैंने 1 विकेट कीपर को पिक किया, बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने 3 बैट्समैन को पिक किया, ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने 4 ऑलराउंडर्स को पिक किया, बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने 3 बॉलर्स को पिक किया। पूरा मैंने 11 प्लेयर्स को पिक कर लेना, इन 11 प्लेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, अब इन 11 प्लेयर्स को 100% पिक कर लेना। अब कप्तान वाइस कप्तान के बारे में बात करें जाए तो मैंने कप्तान में बनाऊंगा एस छोटान को और वाइस कैप्टन में एस नंदन को। दोस्तों एक बार मेरा टीम को देख लीजिए, मैंने विकेट कीपर में 1 विकेट कीपर को पिक किया डिलसन को, और बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने 3 बैट्समैन को पिक किया, पी सैम गोपाल कृष्णा और वी सिराज धुन को। और ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो मैंने 4 ऑलराउंडर्स को पिक किया, माथावन, एस नंदन, एस छोटान और तनवीर को। और बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने 3 बॉलर्स को पिक किया, कार्तिकायन और एम नामसिल और विनय को। दोस्तों मैंने कप्तान में बनाया हूँ एस छोटान को और वाइस कैप्टन में एस नंदन को। दोस्तों ये मेरा कोई फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको लाइनअप अनाउंस होने के बाद मेरे टेलीग्राम में मिलेगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो आपको टीम दिखाई दे रहे हैं आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में आप 100% विन होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।